जी अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ करते हुए हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट मॉडल। प्रीवियस लेक्चर्स में सिर्फ फाउंडेशन बिल्ड हुई है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस चीज़ पे बेस करता है। वो बेस करता है सिग्मॉइड फंक्शन पे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो लॉस फंक्शन है उसको किस तरीके से काम करना चाहिए उसको हमने डिस्कस किया। वो किस तरीके से ड्राइव हुआ बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का उसको डिस्कस किया। अब इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट उसके बारे में हम डिस्कशन करने लगे। आपके पास ज्यूम कीजिए दो इनपुट फीचर्स थे एक्स वन एक्स टू और आपके पास जो एक्चुअल आंसर्स थे वाई वो था 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 1। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका आपसे रिक्वायर क्या किया जा रहा है? आपसे रिक्वायर ये किया जा रहा है कि आप ये जो और गेट है ये लर्न करें यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन। यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन आप इसको लर्न करें। अब होगा क्या? होगा ये कि हम अपना सबसे पहले हमें ये पता है कि अगर मेरे पास दो इनपुट फीचर हैं तो मेरे पास जो मॉडल आएगा वो आएगा थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स वन प्लस थीटा टू एक्स टू। क्योंकि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो मुझे इन इनपुट्स को मुझे थीटा नॉट थीटा वन और थीटा टू की ऐसी वैल्यू चाहिए। सो प्लीज जरा ध्यान से फोकस कीजिएगा। मुझे थीटा नॉट थीटा वन थीटा टू की ऐसी वैल्यूज चाहिए जिनको मैं 0 0 0 1 1 0 1 1 पास करूं तो मेरे पास आउटपुट पे 0 1 1 और 1 रिस्पेक्टिवली आना चाहिए। एक दफा दोबारा मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल ये है कि थीटा नॉट थीटा वन और थीटा टू की ऐसी वैल्यूज पता चलें, ऐसी वैल्यूज मैं लर्न करूं कि जिनको मैं 0 0 पास करूं। जब मैं इस में 0 0 पास करूं तो मेरे पास 0 क्लास आ जाए, 0 1 पास करूं तो 1 क्लास आ जाए, 1 0 पास करूं तो 1 क्लास आ जाए, 1 1 पास करूं तो 1 क्लास आ जाए। अब क्योंकि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इट मीन्स के इस इनपुट को मल्टीप्लाई करेंगे रिस्पेक्टिव वेट से तो मेरे पास जी आ जाएगा और जी को मैं जब सिग्माइड ऑफ जी में पास करूं सो सिग्माइड ऑफ जी में पास करूं तो मेरे पास आंसर 0 लाने के लिए इस इनपुट के अगेंस्ट 0 लाने के लिए आंसर क्या होना चाहिए? 0.5 से एक ग्रेटर और इक्वल और ग्रेटर होना चाहिए या लेस होना चाहिए? वेरी गुड। सो इस केस में आपके पास जो आंसर है वो सिग्माइड ऑफ जी का, सिग्माइड ऑफ जी का, ताकि आप टू से कंफ्यूज ना हो मैं जी को इस तरह लिख रहा था, जी लेस देन 0.5 होना चाहिए। इस वाले केस में क्योंकि आप 1 लेना चाह रहे हैं कीप इन माइंड हमारे पास थ्रेशोल्ड क्या था। हमने ये कहा था कि इफ जो सिग ऑफ जी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 होगा तो 1 और एल्स 0। अब इस केस में मैं 1 लेना चाह रहा हूं तो इट मीन्स सिग ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 होना चाहिए। यहाँ पे सिग ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 होना चाहिए, सिग ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 होना चाहिए। यहां तक कोई कंफ्यूजन? सो मुझे एक्चुअली
थीटा नॉट थीटा वन थीटा टू की ऐसी वैल्यूज को लर्न करना है, थीटा नॉट थीटा वन और थीटा टू की ऐसी वैल्यूज को लर्न करना है जिनको मैं जब यहां पर पुट करूं तो जीरो जीरो के अगेंस्ट मेरे पास सिग्माइड की वैल्यू, सिग्माइड ऑफ जी की वैल्यू लेस देन 0.5 आ रही है, और बाकी केसेस में मेरे पास 0.5 आ रही हो। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और खुद से सोच कर बताएं कि थीटा नॉट थीटा वन और थीटा टू की क्या वैल्यूज हों कि जब आप इनको यहाँ पर पुट करें तो आपके पास आंसर ये सारी की सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। जी मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, आप भी काइंडली इसको पॉज करके इसको जरा सॉल्व कीजिए। जी होपफुली आपने कर लिया होगा और उम्मीद है कि आपने ठीक किया होगा। अब देखिए कि हम कैसे करते हैं। जब हम यहाँ पे सिग्माइड ऑफ जी लेस देन 0.5 कह रहे हैं तो इट मीन्स के जी की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए, यहाँ पे जी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, यहाँ पे z की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, यहाँ पे z की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी तो ऑटोमेटिकली ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। एग्रीड और डिसएग्रीड? गुड। सो इट मींस के अगर इस इक्वेशन पे z की वैल्यू मेरे पास मुझे लेस देन इक्वल टू जीरो रखना है तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो इस केस में थीटा नोट प्लस थीटा वन जीरो प्लस थीटा टू जीरो की जो वैल्यूज हैं वो लेस, क्योंकि ये है जी के बराबर तो ये लेस देन जीरो होना चाहिए, फिर थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स वन जीरो प्लस थीटा टू एक्स वन ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मींस इसको मैंने यहां पे लिखा। सिमिलरली अगर मैं इसके अगेंस्ट लिखूं तो थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स वन प्लस थीटा टू एक्स जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स वन प्लस थीटा टू एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और इसको अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं, सॉरी, तो जब मैंने यहाँ पे किया तो ये जीरो जीरो हो गया, तो थीटा नोट लेस देन जीरो, थीटा नोट क्योंकि ये जीरो जीरो हो गया तो यहाँ पे खाली थीटा नोट आ रहा है, देन थीटा नोट ये भी जीरो हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस थीटा टू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, फिर थीटा नोट प्लस थीटा वन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यहाँ पे थीटा नोट प्लस थीटा वन प्लस थीटा टू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। मींस आपको थीटा नोट थीटा वन थीटा टू की ऐसी वैल्यूज लिखनी है जिनको यूज करते हुए आपकी ये चारों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। एक बार दोबारा, अब दोबारा पॉज कीजिए। अब मैंने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, अब देखिए कि क्या आप थीटा नॉट थीटा वन और थीटा टू की ऐसी वैल्यूज लिख सकते हैं जो इन चारों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हो। सो एक पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, आप लिख सकते हैं -0.1, 0.2 और 0.2। अब जब आप इसको पुट करेंगे तो -0.1 लेस देन ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, -1 प्लस 0.2 प्लस 1 आ गया प्लस 0.1 आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, ग्रेटर देन ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये भी सारी चारों इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। आप इसको 1, -1, 2, 2 भी कर सकते हैं, फिर इसी तरीके से इसके और बेशुमार आप इसको -0.5, 0.6
0.6, ये भी इसका आंसर हो सकता है, बेशुमार इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्यों? अब जरा देखिएगा, अगर आपके पास एक्स एक्सिस पे मैं एक्स वन कह देता हूँ, ये है एक्स टू, यहाँ पे देखिए 0 0 पे ये पॉइंट बन रहा है 0 0, यहाँ पे आ रहा है 0 1 0 और 1 1 पे आ रहा है 1, और ये पॉइंट है 1 1 और यहाँ पे 1 आ रहा है। क्या मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ जिसकी बेस पे मैं ये कह सकूँ कि उसके एक साइड पे 1 है और दूसरे साइड पे 0 है? तो आपका आंसर है यस। वो स्ट्रेट लाइन ये भी हो सकती है, 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 इनफाइनाइट मैनी स्ट्रेट लाइन हो सकती हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, जिसको यूज करते हुए आप बता सकते हैं कि उसके एक साइड पे 1 आ रहे हैं और दूसरी साइड पे 0 आ रहे हैं। सो ये जो काम है, आप देखें कि आपने खुद से सोच के थीटा नॉट, थीटा वन, थीटा टू की वैल्यूज को लिखा और ऐसे वेट्स लर्न कर लिए जो कि इस प्रॉब्लम को और वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे। यही काम अगर आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन से सॉल्व करना है LR से, तो उसके लिए फिर हम यूज करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम वो किस तरह काम करता है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। अब ग्रेडियंट डिसेंट के केस में तो आपको सबसे पहले थीटा नोट, थीटा वन और थीटा टू की वैल्यूज को रेंडमली इनिशियलाइज करने। जब आपके पास थीटा नोट, थीटा वन, थीटा टू की वैल्यूज रेंडमली इनिशियलाइज हो गई, ये आपके पास x1, x2 और ये आपके पास y, तो आपने ये देखना है कि क्या ये जो थीटा नॉट, थीटा वन, थीटा टू की वैल्यूज हैं इनको यूज करते हुए आपके पास सारे के सारे करेक्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं हर इनपुट के अगेंस्ट। वो आप क्या कैसे करेंगे, वो आप चेक करेंगे कि अगर आपके पास 0 0 के अगेंस्ट 0 आ रहा है, 0 1 के अगेंस्ट 1 आ रहा है, 1 0 के अगेंस्ट 1 आ रहा है, 1 1 के अगेंस्ट 1 आ रहा है, तो इट मींस आपके पास 100% एक्यूरेसी अचीव हो गई है। आपको इन वेट्स को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो जब आपने पहले स्टेप में इन वेट्स को रेंडमली इनिशियलाइज किया, तो देन आपने इनकी बेस पे अब प्रेडिक्शन करनी है। प्रेडिक्शन कैसे करनी है कि आपने थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स वन प्लस थीटा टू एक्स टू, आपने इस इनपुट को पास किया। अज्यूम करें कि आपके पास जो थीटा नॉट 0.5 था, ये भी 0.5 था और 0.5 था, इनको यहाँ पे पुट किया और चेक किया, आपके पास आ गया जी। जी को आपने पास किया सिग्माइड में और आपने देखा क्या ये आंसर लेस देन इक्वल टू लेस देन 0.5 है, लेस देन 0.5 है। नहीं, आपने यहाँ पे वही कंडीशन लगाई थी, इफ सिग ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 1 एल्स 0। तो अब होगा क्या, जब आपने थीटा नोट, थीटा वन, थीटा टू की वैल्यूज को रेंडमली इनिशियलाइज किया होगा, आप इसके अगेंस्ट चेक करेंगे कि क्या आप के अगेंस्ट आप जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं, यानी आपने इनपुट को रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करना है, उसको सिग्माइड में पास करना है, सिग्माइड में पास करने के बाद इस थ्रेशोल्ड से गुजारना है और ये जो आपके पास वाई प्राइम आ रहा है इसको इससे कंपेयर करना है कि क्या ये दोनों सेम आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर तो जी यहाँ पे 0 0 के अगेंस्ट 0,
जीरो वन के अगेंस्ट वन, वन जीरो के अगेंस्ट वन आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पास अपने थीटास को या वेट्स को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं आ रहा तो देन अब आप अपने वेट्स को अपडेट करेंगे थ्रू वेट अपडेट इक्वेशंस। जब आपके पास ये वेट्स दोबारा से अपडेट हो गए तो अब आपने दोबारा से चेक करने सिमिलरली इस इनपुट को रिस्पेक्टिव वेट से पास करके हुए कि क्या डिजायर्ड एक्यूरेसी अचीव हो गई है। अगर हो गई है तो आप स्टॉप कर देंगे, अगर नहीं हुई तो फिर दोबारा से वेट्स को अपडेट करेंगे थ्रू वेट अपडेट इक्वेशन, और यही स्टेप्स आप बार बार परफॉर्म करते जाएंगे। इसको अब हम फॉर्मली देख लेते हैं कि ये चीज़ें कैसे करनी। सो ये हमने देख लिया था कि जब आपके पास एक इनपुट आ रही है, आप इनपुट को जो भी आपके पास मॉडल है, चाहे एक फीचर है, मल्टीपल फीचर्स हैं, आपने उनको रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई किया, सिग्माइड में पास किया, सिग्माइड में जब आपके पास पास कर लिया तो आपने यहाँ पे उसकी थ्रेशोल्डिंग की। इफ सिग ऑफ जो जी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 आ रहा है तो आपने क्लास वन ले ली, और एल्स उसको कह दिया जीरो। नेक्स्ट नेक्स्ट अब आपने उसको कह दिया जीरो, तो आपने इसके थ्रू जो भी आपके पास था हाइपोथेसिस फंक्शन, अगर एक फीचर है तो एक फीचर, 10 फीचर्स हैं तो 10 फीचर्स के लिहाज से आपने उसको प्रेडिक्शंस की, चेक किया क्या डिजायर्ड एक्यूरेसी अचीव हुई है नहीं हुई। अगर डिजायर्ड एक्यूरेसी अचीव नहीं हुई तो आपने अपने तमाम थीटास को अपडेट करना थ्रू दिस वेट अपडेट इक्वेशन। अब हम यहाँ पे कंक्लूड करें चीजों को, क्योंकि हमारा जे ऑफ थीटा जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है वो ये था माइनस वन ओवर एम समेशन थीटा, जिसमें हमारे पास वाई प्राइम को हम कंप्यूट कर रहे थे एच ऑफ, अगर आप ये यहां से देखें एच ऑफ थीटा ऑफ एक्स से, जो कि बेस कर रहा है सिग्माइड का। और जब हम इस अपने लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, ये है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, तो आपको याद है कि हमारे पास फाइनल जो वेट अपडेट इक्वेशन आई थी वो ये थी, क्योंकि हमें पता है कि सिग्मा का डेरिवेटिव इसके बराबर है, इसका डेरिवेटिव आपने सॉल्व किया तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास ये आ गया। सो मैं आप एक बार दोबारा से कंक्लूड कर दूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। सब अभी ये आपने रिपीट करते जाना। एक सिंपल सिनेरियो ये कि आपने एक वायल का या फॉर का लूप लगाया और उसको 100 टाइम्स ला दिया, ये जो रिपीट है ना ये आप अभी 100 टाइम्स चल रहे। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने ये देखा कि जो थीटास आपने रेंडमली इनिशियलाइज करवाए हुए थे उनकी बेस पे आपने प्रेडिक्शंस की। वो किस तरह प्रेडिक्शंस की, आपने प्रेडिक्शंस इस तरीके से की कि उस इनपुट को रिस्पेक्टिव थीटा से मल्टीप्लाइड किया, सिग्माइड में पास किया, सिग्माइड में पास करने के बाद चेक किया कि जो वैल्यू आ रही है वो 0.5 से ग्रेटर आ रही है, आ रही है तो उसके अगेंस्ट वन आ गया, अदरवाइज जीरो आ गया। अब अगर सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि एक्चुअल और प्रेडिक्टेड, ये जो आपने थीटाज रेंडमली इनिशियलाइज किए हुए थे वहां पे एक्चुअल क्लासेस थी 1100, प्रेडिक्टेड क्लासेस आई 1010, और प्रेडिक्शन किस तरीके से आई, सिमिलरली इसी तरीके से कि जो भी आपके पास इनपुट थी, जो आपने वेट्स रेंडमली इनिशियलाइज किए, थीटा में पास किए, सिग्माइड में पास किया, एक्चुअल उसका क्लास वन थी, प्रेडिक्टेड में आपके पास भी वन आ गई, दूसरी एग्जांपल पॉइंट के अगेंस्ट एक्चुअल वन थी, ये जीरो आ गया, ये जीरो था ये वन आ गया, ये जीरो था ये जीरो आ गया। अब इसकी जो एक्यूरेसी है कितनी है, इसकी एक्यूरेसी आ रही है 50%। आपने रखा हुआ था कि मुझे
98% एक्यूरेसी आएगी तो तब तक या 100 आइट्रेशंस तक ये लूप चलता जाए, तो डिजायर्ड एक्यूरेसी अचीव नहीं हुई अभी और 100 ईपॉक्स भी नहीं। अब आपने वेट्स को अपडेट किया, ये अपने वेट्स को अपडेट किया, वेट को अपडेट करने के लिए जब आपने प्रेडिक्शन की है तो प्रेडिक्शन के वक्त आपने इस थ्रेशोल्ड में पास करने के बाद 0 और 1 किए, लेकिन जब आप यहाँ पे वेट्स को अपडेट कर रहे हैं तो जो भी आपके आप थीटास थे, अब आप देखेंगे अगर आपके पास यहाँ पे एक्चुअल और प्रेडिक्टेड सेम आ रहा है फिर तो कोई मसला नहीं, अगर आपके पास एक्चुअल और प्रेडिक्टेड सेम नहीं आ रहा तो यहाँ पे आपके पास एक्चुअल वैल्यू आ रही है, लेट्स से 0, प्रेडिक्टेड आ रही है 0.7, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आई से जो भी इनपुट आ रही है, तो उसके जो थीटास हैं वो रिस्पेक्टिवली अपडेट होते जाएंगे। सो इस तरह आपके पास ये थीटा अपडेट हुए, दोबारा से आपके पास ये वाली वैल्यूज आई, आपने चेक किया इन थीटास को यूज करते हुए क्या डिजायर्ड एक्यूरेसी अचीव हुई, डिजायर्ड एक्यूरेसी अचीव नहीं हुई, और आपने ये साइकिल इस तरह एग्जीक्यूट करते गए। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस मॉडल की X1, X2, जहाँ पे हमने और गेट को इम्प्लीमेंट कर रहे थे 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, तब इस केस में होगा क्या, जब आप ये जो है ना थीटा जे आए, ये आई रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एग्जाम्पल पॉइंट्स को, और ये जो एक्स जे रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिस्पेक्टिव थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसका मॉडल आएगा वो आएगा थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स वन प्लस थीटा टू एक्स टू। अब यहाँ पे थीटा नॉट के केस में जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा, थीटा वन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे एक्स वन ये आ रहा होगा, जब थीटा टू का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे एक्स टू आई आ रहा होगा। तो जितने भी आपके पास थीटास हैं हर एक का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाली वैल्यू रिस्पेक्टिव उस एरर से मल्टीप्लाई हो रही होगी। अगर आप यहाँ पे देखें ये क्या है, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, ये जो आपके पास एरर है उसको आप सम करते जा रहे हैं और रिस्पेक्टिव इनपुट से जो भी रिस्पेक्टिव थीटा के साथ एक्सेसोरेटेड है उसे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और उस तरह वेट अपडेट करते जा रहे हैं। तो आप एक फॉर लूप लगाइए, कंटिन्यूसली ये चल रही है, अगर आपने 100 उसके लिए आइट्रेशन डिफाइन की हुई है उस वक्त तक चलता जाएगा जब तक 100 आइट्रेशन, या आपने डिजायर्ड एक्यूरेसी 98% अचीव की हुई है उस वक्त अचीव नहीं होती, ये लूप चलती जाएगी, वेट्स अपडेट होते जाएंगे, देखेंगे कि जो आपके पास प्रेडिक्शन आ रही हैं और एक्चुअल्स में कितना एरर है उसकी बेस पे इसी तरीके से कंटिन्यूसली वेट्स अपडेट होते जाएंगे। होपफुली आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, कोई क्वेश्चन हो कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह।